ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ आप, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है, साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की, और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ आप, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है, साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की, और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नीचे। ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ आप, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन
दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। मतलब इनकी लेंस डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है, तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद, तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है, तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद, तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है।
और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है, तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ आप, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है, साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वेम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ भी हैं, और वुल्फ का एक रूल होता है कि आप वुल्फ की टेरिटरी में नहीं आएंगे वेम्पायर्स के लिए, और वेम्पायर्स वुल्फ की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ वेम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की, और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ आप, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में है। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है, साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वेम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ भी हैं, और वुल्फ का एक रूल होता है कि आप वुल्फ की टेरिटरी में नहीं आएंगे वेम्पायर्स के लिए, और वेम्पायर्स वुल्फ की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ वेम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की, और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ आप, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद।
तो अगली वाली स्टोरी में ये चीजें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वेम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्व्स भी हैं, और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वेम्पायर्स के लिए, वेम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, वुल्व्स वेम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट टू कहूँ, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वेम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्व्स भी हैं, और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वेम्पायर्स के लिए, और वेम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, वुल्व्स वेम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट या ट्वेलाइट टू कहूँ, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें
ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद, तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्फ्स भी हैं। और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद, तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्फ्स भी हैं। और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की,
बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद, तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं, और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद, तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं, और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद, तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है
बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्फ भी हैं, और वुल्फ का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ आप। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे, और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है, और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है, साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट टू कहूँ आप। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे, और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है, और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है, साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ आप।
ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद, तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वाइलाइट टू कहूँ ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद, तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वाइलाइट टू कहूँ ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद, तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग।
और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वेम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वेम्पायर्स के लिए, और वेम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, वुल्व्स वेम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ्स डिवाइडेड हैं, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही या ट्वेलाइट टू कहूँ। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगी। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वेम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वेम्पायर्स के लिए, और वेम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, वुल्व्स वेम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ्स डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, दोनों ही या ट्वेलाइट टू कहूँ। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वेम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वेम्पायर्स के लिए, और वेम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, वुल्व्स वेम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ्स डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो
ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ आप। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ आप। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नीचे ट्वेलाइट टू कहूँ आप। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं
कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट टू कहूँ आप, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। लाइक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट टू कहूँ आप, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। लाइक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप
वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे सी केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ आप। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कुलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे सी केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट टू कहूँ आप। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कुलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे सी केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट टू कहूँ आप। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कुलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं
पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट टू कहूँ, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट टू कहूँ, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें
ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्फ्स भी हैं। और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की,
बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ्स भी हैं। और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ भी हैं। और वुल्फ का एक रूल होता है कि आप वुल्फ की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्फ वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है
बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा, इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं, और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है, तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ आप, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कुलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है, साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा, इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं, और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है, तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ आप, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कुलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है, साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा, इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं, और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है, तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ आप,
ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कुलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद, तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वाइलाइट टू कहूँ आप। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कुलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद, तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वाइलाइट टू कहूँ आप। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कुलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद, तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्राइंगल बनाते हैं ये लोग।
और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं, और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं, और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं, और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो
ये काफी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट टू कहूँ, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में है। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट टू कहूँ, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्फ्स भी हैं, और वुल्फ्स का एक रूल होता है कि आप वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं। ट्वेलाइट टू कहूँ, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि
इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। तो यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं, और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ आप, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। तो यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं, और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट सागा या ट्वेलाइट टू कहूँ आप, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। तो यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग, और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं, और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स
वुल्फ्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्फ्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, मतलब इनकी लेंथ डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है, तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है, तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं टू कहूँ ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, तो इनकी लेंथ डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है, तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं टू कहूँ ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं पहली मूवी में, क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के
को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है। और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं ट्वेलाइट टू कहूँ। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट रही है जिसका नाम पूरा था द ट्वेलाइट सागा न्यू मून। इस फिल्म के अंदर जो केमिस्ट्री है इन दोनों की, बेला स्वान और एडवर्ड कलिन की, इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। एक इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे दोनों के दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। पहली मूवी में क्योंकि एक दूसरे को जान चुके थे अच्छे से, एक दूसरे के को पसंद करने लगे थे और इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ रहने के बाद। तो अगली वाली स्टोरी में ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि इसमें एक तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि है जेकब, जो इन दोनों की कहानी के बीच में आएगा। मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बनाते हैं ये लोग। और इसमें दिखाया ये गया है कि कहीं ना कहीं जो बेला स्वान है वो एडवर्ड को भी पसंद करती है, एडवर्ड को ज़्यादा पसंद करती है और जेकब को कम करती है। इनके बीच में काफ़ी तनाव होता है। साथ में ये भी पता चलता है बेला स्वान को कि जो जेकब है वो एक वुल्फ है, क्योंकि इसमें
ये होता है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरे के पूरे वैम्पायर्स भी हैं, साथ में वो भी हैं, वुल्व्स भी हैं। और वुल्व्स का एक रूल होता है कि आप वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे वैम्पायर्स के लिए, और वैम्पायर्स वुल्व्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे, और वुल्व्स वैम्पायर्स की टेरिटरी में नहीं आएंगे। तो इनकी लेंस डिवाइडेड है, और जो बेला स्वान है वो दोनों ही टेरिटरी में जाती है। तो ये काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो बेला स्वान है उसको एडवर्ड भी पसंद करता है और जेकब भी पसंद करता है, और दोनों ही नहीं।